दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोलाइटिस के बारे में। कोलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन, मतलब कि आंतों में सूजन के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो आपको एक खुराक में ही ठीक कर देगी, लेकिन वो एक एक डोज आपको लगातार 3 दिन रात में सोने से पहले लेना है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोलाइटिस के बारे में, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोलाइटिस के बारे में। चलिए दोस्तों पहले कोलाइटिस क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोलाइटिस को हम इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन, मतलब कि आंतों का सूजन भी कह सकते हैं। ये इसके होने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ उसके कारण भी हो सकता है, या फिर वायरस का संक्रमण हुआ उसके कारण भी हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे हमको। पेशेंट को डायरिया होगा, लगातार होगा, कई दिनों से होगा, और इसकी जो स्मेल होगी वो बहुत ही गंदी होगी, और इसके साथ साथ पेशेंट के शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई देगी डायरिया की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि उसे आँत में सूजन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे डिसेंट्री हुई, जिसे हम पेचिस बोलते हैं, पेचिस भी लगातार कई हफ्तों से, एक हफ्ता या फिर 2 हफ्तों से लगातार उसे हो रही है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, जैसे वोमिटिंग हुआ, वोमिटिंग उसे फील होगा ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम। और नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलेगा, ब्लॉटिंग, एब्डोमेन जैसे कि पेट फूला हुआ दिखाई देगा, अगर टच भी करेंगे या फिर देखने से भी पेट होगा वो फूला हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ हम इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनेगा, गैस के कारण पेशेंट को सीने में जलन होगी, गले में जलन होगी, और कच्ची डकार जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसे कोलाइटिस यानी आंतों का सूजन भी है, यानी हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन, ऑयली चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना है, और जो तीखा चीज़ होता है, स्पाइसी थिंग्स और जंक फूड भी बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब बाहर के चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में या जूस ज़्यादा ज़्यादा लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। दोस्तों वो मेडिसिन है बेप्टिस या CM पोटेंसी में। दोस्तों अभी बता दें इसको लेना कैसा है। दोस्तों इस मेडिसिन का 10-10 बूंद आधे कप पानी में रात में सोने से जस्ट पहले इसको लेना है लगातार 3 दिन। पर याद रहे इस मेडिसिन को लेने के बाद 24 घंटे तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा सुझाव अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बी हेल्दी, बी सेफ।